जैसे कौशल विकास निगम, उसी से हमें समझ आता है। कौशल मीन हमारा काम है व्यक्ति को ट्रेनिंग देना। हमारा बेसिकली जो मैंडेट है, जो हमारा बेसिकली हमारी जो जिम्मेदारी है कौशल विकास निगम की, वो है प्रशिक्षण देना। रोजगार का मैंडेट हमारा नहीं है, फिर भी हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं जहां भी हमारा प्रशिक्षण होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारा प्रशिक्षण जो है वो 52 ITIs में कौशल विकास निगम के कार्यक्रम चल रहे हैं, 18 महाविद्यालयों में जो है वो वीवॉक के ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, 28 महाविद्यालयों में ग्रेजुएट एड ऑन प्रोग्राम चल रहे हैं। तो हम सभी जगह ये सुनिश्चित करते हैं कि जो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे ITI लंबू जो है वो ट्रेनिंग दे रही है, तो इनसे हम बात करेंगे कि ट्रेनिंग के बाद ये लोग वहाँ कंपनी बुलाएं और रोजगार मिलना लगे। तो इसी तरह हम हर कॉलेज के अंदर ये बात कहते हैं कि जहां जहां बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और जो जो एजेंसीज जो है वो प्रशिक्षण दे रही हैं, चाहे वो सरकारी दे रही हैं, गैर सरकारी दे रही हैं, वो ये सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण खत्म होने के बाद जो है वो वहां पर जो है वो प्लेसमेंट ड्राइव के लिए कंपनीज आए। और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है मान लो, तो उसका 20% पैसा जो है वो हम कट भी करते हैं। और अभी हाल में ही जो आपने प्रश्न किया, अच्छा प्रश्न किया, जो मैंने पहले भी बात की थी कि रोजगार मेले भी लगाए जाएंगे, अभी हाल में ही हमने 27 तारीख को हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम आने वाले इस 27 फरवरी को सोलन के अंदर जो है एक बहुत बड़ा रोजगार मेला लगाने जा रहा है, और उसके बाद प्रदेश के अंदर भी और जगह भी लगेंगे, और जैसे मैंने कहा हमीरपुर के अंदर वो भी यहां लगेंगे। वो कम थोड़ा लेट इसलिए हो गया क्योंकि एक महीना फिर से जो है वो सारी चीजें बंद रही कोरोना के कारण, वो आपको पता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ भी हम उस तरह की ड्राइव जो है यहाँ पर भी जो है वो लोगों के लिए जो है युवाओं के लिए जो है वो रोजगार मेला लगाएंगे। अब तक बजट का जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत तो बजट अब मुझे लगता है कि 2020 के बाद हमें नहीं आया। अभी जो भी खर्च हो रहा है वो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हमारा एक प्रोजेक्ट था उसका जो है वो खर्च हम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजे अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।